गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं अब आप लोगों को फ्रैक्शंस कराने जा रही हूँ। फ्रैक्शन देखिए, इसमें पूरे पार्ट कलर किया हुआ है, तो इसे क्या बोलेंगे? 1/1। ओके, दूसरे वाले फिगर को आप लोग चेक कीजिए। दूसरे वाले फिगर में जो है आपका, इसमें हाफ हाफ करके दो पार्ट को कलर किया गया। ये पार्ट कितने हैं? दो हैं, और कलर कर दिया गया कितना? हाफ, यानी 1/2। ओके, नेक्स्ट थर्ड। थर्ड का मतलब क्या होता है? 1/3। देखिए कि टोटल आप काउंट कीजिए, कितने पार्ट इसमें दिख रहे हैं आपको? 1, 2, 3, तो 1/3। अब फोर्थ, फोर्थ वाले में 1, 2, 3, 4, यानी 1/4। फिफ्थ, फिफ्थ का मतलब फिफ्थ पार्ट में इसको, इसे बनाया गया है, ड्रॉ किया गया है, तो 1, 2, 3, 4, 5, यानी 1/5। सिक्स पार्ट में 6 बार लाइनिंग करके 6 पार्ट बनाया गया है। सेवन्थ पार्ट में 1/7, यानी एक सर्कल को, 1 का मतलब क्या होता है? सर्कल एक है ना आपके पास, और नीचे जितना भी लिखा होता है ना, जैसे देखिए इसमें सेवन्थ लिखा है, तो एक सर्कल के अंदर आपको 7 लाइन ड्रॉ करके उसे डिवाइड करना होता है। फ्रैक्शन का मतलब ही होता है बांटना। अब है 8, यानी एक सर्कल में आपको कितने लाइनिंग करने, कितने भागों में बांटना? 8 भागों में बांटना है। नाइन्थ में, नाइन्थ का मतलब होता है 1/9 का मतलब एक सर्कल के अंदर आपको 9 लाइनिंग करना, 9 पार्ट में उसे बांटना है। और टेंथ का मतलब क्या होता है? कि एक सर्कल में आपको 10th पार्ट में बांटना है। ओके, दोबारा से देखिए, सबसे पहले एक सर्कल है, उसमें कलर फिल कर दिया गया, तो क्या हुआ? 1/1, क्योंकि एक सर्कल था उसमें हमें पूरे कलर करने थे। अब एक सर्कल में हमने, हमें क्या कह रहा है कि सेकेंड पार्ट, हाफ हाफ, हाफ का मतलब आधे आधे बांटना है, तो आधे हमने बांटा, तो अब वो एक सर्कल दो पार्ट में बढ़ चुका है, इसलिए 1/2। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? थर्ड, थर्ड का मतलब तीन पार्ट में, आपका पास सर्कल तो एक ही है लेकिन उसे आप तीन भाग में बांटेंगे, ठीक है? थ्री पार्ट में आप उसे क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं, बांट रहे हैं, तो 1/3। तो 1 सर्कल और पार्ट हमने कितना किया? 3, तो इसलिए हम 1/3 लिखते हैं। फोर्थ में 1/4 हमने क्यों लिखा? सर्कल हमारे पास एक ही था, उसको हमने कितने भागों में बांटा? फोर्थ पार्ट में हमने बांटा उसे। फिफ्थ में भी सर्कल एक है और हमें फिफ्थ भाग में उसे बांटने हैं। सिक्स्थ का मतलब क्या होता है? एक सर्कल में आप 6 बार में बांटेंगे। सेवन्थ का मतलब सर्कल एक ही है लेकिन कितने भाग में बांटने के लिए बोल रहा है? 7 टाइम्स। ओके, एट का मतलब एक सर्कल में आपको 8 टाइम्स उसे कट करने हैं, 8 पार्ट बनाने हैं। नाइन्थ का मतलब एक सर्कल में आपको 9th पार्ट बनाना है, और टेंथ का मतलब एक सर्कल के अंदर आपको 10th पार्ट बनाने हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्कशीट देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में भी वही चीज़ है, एक सर्कल है, इसे क्या बोलेंगे? 1/2। अब देखिए, जो दूसरा सर्कल है हमारे सामने, इसने 1/2, 1/2 का मतलब क्या? सर्कल तो एक है ना, उसे हमने दो भागों में बांटा, तो वो क्या हो जाएगा? उसे हम बोलते हैं 1/2। अब देखिए, एक सर्कल है और इसे हमने एक, हमें क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब क्या होता है? चार चीज़ें होती है, चार पार्ट होता है क्वार्टर का मतलब, ठीक है? तो हमने 1/4, 1/4 का मतलब 1/4, मतलब चार पार्ट में से एक पार्ट को हम क्वार्टर कहते हैं। 3/8 का मतलब क्या होगा? एक सर्कल में आप कितने पार्ट को करेंगे? पहले तो 8 पार्ट आप बनाएंगे, 8 पार्ट में उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और 3 ऊपर है ना, तो 3 को रंग कलर फिल कर देंगे। 4/8 का मतलब एक सर्कल में आप कितने पार्ट, उसे कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे, और 4 का मतलब 4 पार्ट को कलर कर देंगे। 2/4 का मतलब हो गया आपका कि एक सर्कल में आप उसे, क्वार्टर्स का मतलब क्या होता है? 2/4, दो भागों में बांटना, ठीक है? तो हमने दो पार्ट को क्या कर दिया? हमने उसे, हमने कलर से फिल कर दिए। ये देखिए, ये भी आपके सामने है चार्ट। ओके, बॉक्स बना है, बॉक्स कितने हैं हमारे पास? दो बॉक्स है, कलर कितना फिल किया गया है? एक, इसलिए क्या हो जाएगा? 1/2। अब देखिए कितने पार्ट है एक सर्कल के अंदर? 3 पार्ट है ना, कलर कितना किया गया 1 पार्ट में, तो 1/3। ये जो बना हुआ है हमारे पास रेक्टेंगल शेप में है, ये कितने हैं? 4 साइड, इसमें 4 पार्ट में बांटा गया है, कलर एक पार्ट में किया गया, इसलिए 1/4। एक सर्कल के अंदर 1 पार्ट को कलर किया गया है और डिस्ट्रीब्यूट 6 पार्ट में किया गया है एक सर्कल को, तो 1/6। नेक्स्ट फिगर में भी 2 पार्ट कलर है और टोटल कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट में, तो 2/3। जितने कलर किए जाते हैं ना, उसको ऊपर लिखेंगे और टोटल नीचे लिखते हैं हमेशा, तो
नेक्स्ट वाले में देखिए 3 को कलर किया गया है तो 3/4। नेक्स्ट वाले सर्कल में 2 पार्ट को कलर किया गया है और टोटल कितने भागों में बांटा गया है 6, तो 2/6। नेक्स्ट सर्कल में 8 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और कलर कितने में क्या फिल किया गया है 3 में, तो 3/8। नेक्स्ट सर्कल में 8 एक सर्कल को 8 पार्ट में बांटा गया है और कलर जो है वो 5th पार्ट में किया गया, 5 भागों में किया गया है, तो 5/8। जो अगेन सर्कल हम लोग का बना हुआ है उसमें 6 पार्ट काटा गया है, 6 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और 5th पार्ट में कलर फिल है, तो 5/6। नेक्स्ट में 9 पार्ट है टोटल और कलर कितने में फिल है 3 में ना, तो 3/9 आंसर होगा। नेक्स्ट फिगर में टोटल जो है 9 है और कलर कितने में फिल है 6 में, तो 6/9। देखिए नेक्स्ट चार्ट भी है, एक सर्कल है जिसमें कितने पार्ट है 5 है टोटल और कलर कितने में फिल है 2, तो 2/5। नेक्स्ट सर्कल में देखिए 1 कलर फिल है और टोटल पार्ट कितने हैं हमारे पास 3, 1, 2, 3, तो 1/3 आंसर। नेक्स्ट सर्कल में देखिए 2 पार्ट में कलर फिल है और टोटल सर्कल के में कितने पार्ट है 8, तो 2/8। नेक्स्ट सर्कल में देखिए टोटल जो है एक सर्कल में 12 पार्ट है और कितने पार्ट में कलर फिल किया गया है काउंट कर लीजिए 9 पार्ट में, तो 9/12। अब नेक्स्ट सर्कल में देखिए 6 पार्ट है टोटल, कलर कितने में फिल किया गया है 2 में, तो 2/6 आंसर होगा। नेक्स्ट सर्कल को देखिए 4 पार्ट है इसमें और कलर सिर्फ ओनली 1 पार्ट में किया गया है, तो 1/4 आंसर होगा। नेक्स्ट सर्कल को देखिए 10 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कलर कितने में फिल है ओनली 4, तो 4/10 आंसर होगा। नेक्स्ट सर्कल को देखिए 4 पार्ट है जिसमें 3 पार्ट में कलर फिल है, तो 3/4। नेक्स्ट सर्कल देखिए आधे में कलर फिल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, या तो आप इसे 1/2 भी लिख सकते हैं क्योंकि सर्कल एक है पूरा और पार्ट कितने में बांटा गया 2, कलर एक में फिल है, तो 1/2 आंसर। नेक्स्ट सर्कल को देखिए, नेक्स्ट सर्कल में कितने पार्ट है 4 पार्ट है, कलर कितने में फिल है 2, तो 2/4 आंसर। नेक्स्ट को देखिए, नेक्स्ट में 8 पार्ट है, कलर कितने में फिल है 4, तो 4/8 आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट वर्कशीट देखते हैं। इसमें बोला है कि एक सर्कल है जिसमें एक पार्ट कलर किया गया है, तो 1/2। नेक्स्ट सर्कल में 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट है, कलर कितने पार्ट में फिल है 2, तो 2/3 आंसर। नेक्स्ट में देखिए एक सर्कल को 4 पार्ट में बांटा गया, कलर 2 में फिल है, तो 2/4। नेक्स्ट सर्कल में को 6 पार्ट में बांटा गया है और कलर ओनली 1 में फिल है, तो 1/6 आंसर। नेक्स्ट में देखिए एक सर्कल को 3 पार्ट में बांटा गया है और कलर ओनली 1 में फिल है, तो 1/3 आंसर। नेक्स्ट सर्कल में देखिए, नेक्स्ट सर्कल में 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और कलर 1 में फिल है 1 पार्ट में, तो 1/4 आंसर। नेक्स्ट सर्कल जो है उसे 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कलर 3 साइड में 3 में फिल किया गया है, तो 3/4। नेक्स्ट जो सर्कल है आपके पास, इसमें टोटल जो है 8 पार्ट है, कलर ओनली 1 में फिल है, तो 1/8 आंसर। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए जो सर्कल है ये एक पूरी सर्कल है, ठीक है, इसे 2 भागों में बांटा गया है, तो नीचे तो 2 लिख देंगे सबसे पहले और कलर भी देखिए दोनों में फिल किया गया है, तो 2/2 लिख देंगे आप। नेक्स्ट सर्कल है जिसे हमारे पास कितने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कलर भी 4 में फिल है, तो 4/4 आंसर होगा। नेक्स्ट सर्कल को देखिए 8 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और कलर 4 पार्ट में फिल किया गया है, तो 4/8। नेक्स्ट जो सर्कल है उसे 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कलर लेकिन 1 पार्ट में ही फिल किया गया है, तो 1/2 आंसर। नेक्स्ट जो सर्कल है आपके सामने उसे 4 पार्टों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, 4 पार्ट में और 3 पार्ट में कलर फिल किए गए हैं, तो 3/4 आंसर। नेक्स्ट जो सर्कल है उसे 8 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और 6 पार्ट में कलर फिल किए गए हैं, तो 6/8 आंसर। नेक्स्ट जो सर्कल है 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और कलर 2 पार्ट में फिल है, तो 2/3 आंसर। नेक्स्ट जो सर्कल है वो टोटल 9 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और कलर 6 पार्ट में फिल है, तो 6/9 आंसर। ओके तो इस तरह से आप लोग इसे फिल करेंगे। नेक्स्ट जो है आपका टोटल 12 पार्ट है सर्कल में और कलर कितने में फिल किया गया है 4, तो 4/12। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में टोटल 6 पार्ट है और कलर 2 पार्ट में फिल है, तो 2/6। नेक्स्ट सर्कल में 5 पार्ट है
और कलर वन में फिल है तो 1/5 आंसर। नेक्स्ट जो सर्कल है उसे 10 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया और कलर ओनली 2 में फिल है तो 2/10 आंसर होंगे। ओके तो ये भी हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वर्कशीट देखिए, सर्कल है, पहले तो ये काउंट कीजिए कितने भाग में से बांटा गया है, दो भाग में ना, तो पहले नीचे तो आप 2 लिख देंगे और कलर कितने में फिल है, ओनली 1, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और कलर ओनली 1 में फिल है तो 1/4। सर्कल में कितने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट है, 1, 2, 3, तो सबसे पहले नीचे आप 3 लिखेंगे और कलर कितने में फिल है, 1 में, तो 1/3 आंसर। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट फिगर में दो में बांटा गया है और कलर 1 में फिल है तो 1/2 आंसर। इस तरह से इस वर्कशीट को आप लोग काउंट करके खुद से सॉल्व करेंगे बच्चों। नेक्स्ट भी देखिए, इसे आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। ओके ये आप लोग का होमवर्क है। नेक्स्ट वर्कशीट को भी आप लोगों को खुद से, हाँ इसमें एक चीज बताने की चीज है, जैसे देखिए 2/3 है ना, तो 2 पार्ट को आप कलर करेंगे। ओके अपने कॉपी में डायग्राम बनाएंगे और 2 पार्ट को कलर करेंगे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में 2/5 यानी 2 पार्ट में कलर करेंगे। 3/4 3 पार्ट को कलर करेंगे। 1/2 1 पार्ट को कलर करेंगे। 1/4 का मतलब 1 पार्ट को कलर करेंगे। 2/3 का मतलब 2 पार्ट को कलर करेंगे। 5/6 का मतलब 5 पार्ट को आपको कलर करना है। बच्चों इसे कॉपी में ड्रॉ करके आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ये भी कलरिंग है, आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा कॉपी पे। अब इसमें देखिए बोला है 1/4, सब में आपको एक एक पार्ट कलर फिल करने हैं। ओके इसे भी आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है सर्कल में कितना कलर फिल है, 1 ना, और टोटल पर कितने पार्ट है, 2, तो 1/2। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट जो फिगर है उसमें 4 पार्ट है टोटल, तो नीचे 4, कलर कितने में फिल है, 1 में ना, तो 1/4। इस तरह से आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें देखिए, इसमें भी जो करेक्ट आंसर है उस पर आपको सर्कल करना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पहले पार्ट काउंट कीजिए कि पार्ट कितने हैं, 4। अब ऑप्शंस में देखिए कि 4 किसके किसके पास है। ठीक है उसके बाद देखिए कि कितने में कलर फिल है, 2 में कलर फिल है ना, तो 2/4 आंसर। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए टोटल कितने पार्ट है, 4 पार्ट है, कलर कितने में फिल है, 1, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/4। बाकी आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। फाइंडिंग हाफ सर्कल द फ्रैक्शन फ्रॉम इच रो द सोर्स 1/2 शेडेड इन, ये जो भी शेडेड है इसको आपको आंसर लिखना है। एक सर्कल में कितने पार्ट है टोटल, 2, कलर 1 में फिल है तो 1/2 आंसर। नेक्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, 3 पार्ट है तो 1/3। आप लोग बाकी खुद से कीजिएगा। देखिए फ्रैक्शन लेबलिंग, लेबल इज फ्रैक्शन इन नंबर एंड वर्ड। अब देखिए इसमें वर्ड्स में भी आपको आंसर लिखने, देखिए पहले कितने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट है, 3 पार्ट ना, तो 3, और ऊपर का क्या है, कितने में कलर फिल है, 2, तो इसमें इसको आपको नंबर वर्ड्स में लिखने हैं। आप अगर वर्ड्स में ना भी लिखो तो आप 2/3 करके सारे क्वेश्चन को ऐसे करके काउंट करके सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है ओके तो ये वर्कशीट में क्या क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रैक्शन वर्कशीट आइडेंटिफाई इक्वल पार्ट्स ऑफ अ फिगर मार्क विद एक्स इन द बॉक्स, विच फिगर शोज इक्वल पार्ट्स। आप ध्यान से देखो कि कौन सा जो सर्कल है इसमें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखो फर्स्ट का तीसरे फिगर को ध्यान से आप लोग देखना, ये हाफ हाफ पार्ट में बांटा गया है और दोनों का कलर भी चेक करना सेम होना चाहिए और सेम एकदम बिल्कुल हाफ पार्ट में इक्वल पार्ट में बांटना चाहिए, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए, सेकेंड क्वेश्चन का बी पार्ट का आंसर करेक्ट है आपका, क्योंकि इक्वल पार्ट्स में बांटा गया है। थर्ड क्वेश्चन में सी पार्ट, ट्रायंगल जो है ना, ट्रायंगल ये आपका इक्वल पार्ट्स में है। फोर्थ क्वेश्चन का बी पार्ट आंसर सही है और फिफ्थ पार्ट में आपका बी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके ये देखिए, कलर इन द करेक्ट आंसर फॉर ईच फ्रैक्शन। फर्स्ट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए, इसमें देखिए एक सर्कल है और 1 पार्ट कलर है, तो देखिए ऊपर में 1 यहाँ पे है, सर्कल को कितने भाग में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट में ना, तो नीचे 1/2, ये आपका करेक्ट आंसर है। सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, 1 पार्ट कलर है और टोटल पार्ट कितने में बांटा गया है, 4 में ना, तो 1/4 आंसर। ठीक है नेक्स्ट का 1, 2, 3 पार्ट है टोटल, तो पहले तो 3 वाले को देख लीजिए और कितने में कलर फिल है, 1 में, तो 1/3 आंसर। ओके चलिए बाकी आप क्वेश्चन खुद ट्राई कीजिएगा। ओके तो ये फ्रैक्शंस का इतने क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। ओके चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।